चलिए लिमसेट के एक और नए टॉपर से मिलते हैं साहित्य से, जिनकी रैंक है ऑल इंडिया 207, जो कि केरला से हैं। तो साहित्य, सबसे पहले 207 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो साहित्य, अपनी मैं चाहूंगा कि आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है वो बताइए। आपने क्योंकि ड्रॉप लेके ये एमसीए क्रैक किया, तो आप इंपिटस से कब जुड़े और इंटायर जर्नी क्या थी आपकी? सर मेरे को बचपन से ही मैथ बहुत पसंद था एंड आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट मैथमेटिक्स एंड इट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट ऑल्सो। बट फॉर सम रीजंस आई हैड टू चूज फिजिक्स एज माय ग्रेजुएशन। But eventually I found out that it wasn't my cup of tea and I realized to make a shift in my course. Then I researched about other career opportunities and found out the course MCA in NIT. Then I started preparing for this course. And after that I researched about the test courses also. एक व्हाट्सएप ग्रुप था निम्सेट एस्पिरेंट्स के नाम पे, और मैं इनमें एक पोल किया था विच कोर्सेस विच टेस्ट सीरीज द बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बहुत सारे बच्चे बोला कि इंपेटस का टेस्ट सीरीज बच्चा होता है, तो मैं उसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये बहुत अफोर्डेबल भी है और यूट्यूब में आपका क्लास भी देखा था तो अच्छा लगा, तो मैं ये इंपेटस की मेडिकल कैप्सूल का टेस्ट सीरीज लिया था। ओके, तो साहिद आपने क्योंकि 2022 से ही करीब करीब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद जब आपने ड्रॉप लिया, ड्रॉप का डिसीजन आपका था जो, और इंटायर जो आपके ईयर की पढ़ाई थी, मैं चाहूंगा वो भी आप बताओ। सर मैंने ड्रॉप का मतलब मैं इसके बाद मैं एक कोर्स किया था, मतलब लैंग्वेज एंड लिटरेचर में एक अरबी के एक कोर्स लिया था ओके एंड इस साल के पहले जनवरी में मुझे पता चला कि उधर एक निम्सेट का एक एग्जाम होता है, लेकिन मुझे एक ट्रांसलेशन करना था, एक बुक के ट्रांसलेशन में काम कर रहा था, ओके इसीलिए मुझे सिर्फ 2 महीने मिला था प्रिपरेशन के लिए। तो 2 महीने है, लेकिन मैं डिसाइड किया ये 2 महीने को मैं बहुत एफिशिएंटली मैनेज करूंगा। तो मैं दिन भर इसके लिए मेहनत किया कि मैं सुबह 5:30 बजे या 5 बजे उठता, इसके बाद मैं रात को 1 बजे या 2 बजे तक पढ़ाई किया था। मेरा प्रिंसिपल यह था कि आराम को हराम करना, और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैं अनइंस्टॉल किया क्योंकि मैं सुना था कि देर आर टू काइंड ऑफ पीपल, वन हु इज सक्सेसफुल एंड द अदर हु गोट डिस्ट्रैक्टेड। आई वॉज द टाइप ऑफ पर्सन हु ऑलवेज गोट डिस्ट्रैक्ट वेरी इजीली, सो आई डिलीटेड ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड आई स्टडीड हार्ड फॉर द प्रिपरेशन इन दिस एग्जाम। बिल्कुल सही। तो साहिद, जैसा आपने बताया कि आपको आईआईटी मैथ्स से इंटरेस्ट था, आईआईटी के लिए भी तैयारी किया, तो क्योंकि आपको मैथ्स से इंटरेस्ट था तो कम समय में भी आपने अच्छी प्रिपरेशन करके एक अच्छा रिजल्ट दिया, तो स्पेशली आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज मैं फॉर जूनियर्स को जूनियर। ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बहुत टाइम होता है तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना एंड ज्यादातर मॉक टेस्ट अटेंड करना, क्योंकि मॉक टेस्ट से हमको तो ये पता चला है कि हमारे वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकता है, और उसको एनालिसिस भी बहुत क्रूशल है क्योंकि इससे हमको गलत करने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाता है और उसको नए टेक्निक से कैसे सोल्व करना वो भी पता चलता है, इसीलिए एनालिसिस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हर टेस्ट के बाद आपके एनालिसिस देखा था, इसमें 2.5x स्पीड में देखा था, इसलिए वो बहुत हेल्पफुल था। एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आई वुड से डोंट स्टडी हार्ड बट इंस्टेड स्टडी स्मार्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द न्यू टेक्निक एंड वेरी रियली नाइस शॉर्टकट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। बिल्कुल सही बोला साहिद, बहुत अच्छे सजेशन दिए आपने। अब क्योंकि आपकी इतनी अच्छी रैंक है तो आपको एक अच्छा एनआईटी भी मिलेगा, तो आई विश कि आप अच्छे एनआईटी में जाएं और वहां पर भी ऐसे ही परफॉर्म करें। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच सर, आई एम वेरी थैंक यू। ग्रेटफुल टू यू बिकॉज ऑल योर एफर्ट्स एंड योर सपोर्ट वॉज वेरी
इनक्रेडिबली वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू. थैंक यू बेटा, थैंक यू. थैंक यू सर.